नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का सेफ शॉप के वेबिनार बाय लीजेंस में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। सेफ शॉप के इस वेबिनार को आप सबने मिलकर इतना पॉपुलर कर दिया है जैसे इंडिया का क्रिकेट मैच। अब वेडनेसडे आते ही लाखों लोग इसको अटेंड करने की प्रतीक्षा करते हैं। हमें विश्वास है कि इस वेबिनार सीरीज से हम सभी मिलकर बहुत कुछ सीख पाएंगे, अपने जीवन को सकारात्मक रूप से जी पाएंगे, हम सभी में नेतृत्व करने की नई शक्ति उत्पन्न होगी और हमारा सेफ शॉप बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। टुडे वंस अगेन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू ऑल ऑफ यू अवर अमेजिंग, नेवर टायरिंग, अनस्टॉपेबल टीम ऑफ डायरेक्टर्स एंड को पैनलिस्ट इन दिस वेबिनार। श्री हरीश सोंदी, अवर डायरेक्टर फाइनेंस, श्री रजत वर्मा, अवर डायरेक्टर ऑपरेशंस, श्री राजू आनंद, डायरेक्टर मार्केटिंग, श्री राजपाल अरोड़ा, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, श्री संजय जैन, श्री हर्ष बिल्ला, श्री दीपक बिल्ला, श्री संजय कटोच, श्री नरसी गरेवाल, श्री राजीव चतुर्वेदी, श्री ओम प्रकाश, श्री माधव सिंह, श्री विजय पाल, श्री जसवीर सिंह, श्री सुनील मान। फ्रेंड्स, वी आर ऑल कमिटेड टू मेक सेफ शॉप अ टॉप डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। किसी भी प्रोजेक्ट या कंपनी को टॉप पे ले जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है लीडरशिप। लीडरशिप एक सोच है, एक विजन है। लीडर का काम होता है समाधान ढूंढना, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। आज के इस वेबिनार में हम लीडरशिप पर नॉलेज लेंगे और इस नॉलेज को देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक ऐसी पर्सनालिटी जिनका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। उनके लाखों डायरेक्ट सेलर्स की टीम उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देती है, जो सबके साथ अपनी नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हर वक्त कुछ नया करने का जुनून रखने वाले मार्को पोलो ऑफ सेफ शॉप, प्लीज वेलकम श्री माधव सिंह। थैंक यू सिद्धार्थ सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार आप सभी दोस्तों को, पूरे सेफ शॉप परिवार को बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज मुझे मौका मिला है आज हमारे सेफ शॉप के परिवार से पूरे भारत में आप सभी से इंटरेक्शन करने का, आप सभी से बातचीत करने का। इसके लिए मैं सेफ शॉप के द्वारा क्रिएट किए हुए इस प्लेटफॉर्म को धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके साथ बात करने की परमिशन चाहूँगा। हमारा सेफ शॉप का परिवार जो पूरे भारत में फैला हुआ है, आज इस वेबिनार के माध्यम से लाखों लोग इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं और आज आप सभी से इंटरेक्शन करने का मुझे ये सौभाग्य मिला, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं भारत की सबसे महान कंपनी सेफ शॉप को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने सन 2000 में, आज से 20 साल पहले, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की स्थापना की, एक ऐसा रास्ता लोगों के लिए बनाया, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जिसकी वजह से मेरे जैसे हजारों लाखों लोग इस भारत देश में जो युवा हैं, हर वर्ग के हैं,
वो अपना जीवन बदलने के लिए सक्षम हो पाए। उन लोगों ने न बल्कि अपना जीवन बदला, न बल्कि अपने जीवन में रोशनी लाए, फाइनेंशियली रूप से अपने आप को मजबूत बनाया, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने दूसरों को भी कंट्रीब्यूट करने के लिए वो सक्षम हो पाए, दूसरों के जीवन में भी वो लोग कंट्रीब्यूट कर पाए। आज इस वेबिनार के माध्यम से मुझे मौका मिला है लीडरशिप के ऊपर कुछ बातचीत करने का, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और हमें हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स को, हमारे डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, हमारे हरी सोंदी सर, राजू आनंद सर, सिद्धार्थ सहगल सर, राजपाल अरोरा सर और हमारे ग्रेट डायरेक्टर रजत सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। आज इस वेबिनार में मेरी हौसला अफजाई करने के लिए और मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए इस पैनल में आप मेरे ग्रेट मेंटर्स को भी देख पा रहे हैं, श्री संजय कटोच सर, जिनका आशीर्वाद शुरुआत से हम सभी के ऊपर है, पूरी सेफसॉप के लाखों लोगों के ऊपर है, श्री राजीव चतुर्वेदी सर, जिनका आशीर्वाद पूरे भारत में हम सभी को लगातार मिलता है, श्री संजय जैन सर, जो हम पिछले 18-19 साल से पूरे भारत को हम सभी को गाइड कर रहे हैं और हमारे लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, श्री हर्ष बिल्ला सर, श्री दीपक बिल्ला सर, जिन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल करके एक माइलस्टोन साबित कर दिया, स्थापित कर दिया पूरे भारत के लिए और हम लोगों को प्रेरणा दिखाई कि इस बिजनेस के माध्यम से अपने जीवन में उच्चतम से उच्चतम शिखर को हासिल किया जा सकता है। मैं अपने ग्रेट सभी सीनियर मेंटर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज हौसला अफजाई करने के लिए इस पैनल में मेरे साथ हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं हमारे एक और ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल सर, ओम प्रकाश सर, श्री सुनील मान सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस बिजनेस में हम जैसे हजारों लाखों लोगों को समय समय पर राह दिखाते हैं, हम जैसे सभी लोगों को इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ा जाए, इस बिजनेस में कैसे बड़ी सफलता को हासिल किया जाए, इसके लिए समय समय पर हमको गाइड करते हैं, तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा और हौसला अफजाई करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज इस पैनल में मेरे दो साथियों को आप देख पा रहे हैं जो शुरुआत से मेरे साथ हैं, श्री विजयपाल सिंह, श्री जसवीर सिंह। मैं दोनों मेरे साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज इस पैनल में मेरे साथ हैं और हम सब लोग मिलकर के आज आपसे इंटरेक्शन कर पा रहे हैं। मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में, जिस बिजनेस में हमने कदम रखा है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पूरी दुनिया में आज अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बना चुका है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के माध्यम से न बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज में, आज हमारे भारत देश में भी युवा या हर वर्ग के लोग अपने आप को स्टैंड कर पा रहे हैं, अपने जीवन में हर रूप से बदलाव ला पा रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, आर्थिक रूप से हो या किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो कि उनके लिए सक्षम नहीं था, इस सेफसॉप के माध्यम से अपने आप को हर वर्ग के लोग सक्षम कर पा रहे हैं। बिल गेट्स जो कि एक जानी मानी हस्ती हैं, उन्होंने ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में कुछ बताया था, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। और ये उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर भी किया, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। इन दो कोटेशन से हमें पता चलता है इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का महत्व तो समझ में आता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या मायने रखता है पूरे भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। जो इंटरनेशनल लेवल की हस्ती जिन्होंने ये कोटेशन दिया, रॉबर्ट टी कियोसाकी एक जाने माने एंटरप्रेनर हैं, एक बहुत बड़े ऑथर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं और एक सलाहकार भी हैं, फाइनेंशियल सलाहकार भी हैं। तो इन्होंने बताया कि इफ़ यू आर अ पर्सन विद बिग ड्रीम्स एंड वुड लव टू सपोर्ट अदर इन अचीविंग देयर बिग ड्रीम्स, अगर आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सपने देखने में बिलीव करते हैं और एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो दूसरों के सपने अचीव कराने में बिलीव करते हैं, तो आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में उन्होंने महत्व बताया और अपने एक्सपर्ट सलाह की वजह से, उनकी एक्सपर्ट सलाह को हजारों लाखों लोगों ने फॉलो किया और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ और आज मेरे जीवन में बदलाव आया, बल्कि मेरे जैसे लाखों लोग सेफसॉप के माध्यम से अपना जीवन बदल रहे हैं पूरे भारत में। मैं इसके लिए सेफसॉप को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम जैसे आम लोगों के लिए इस तरह का बिजनेस मिल पाना एक वरदान से कम नहीं है। हम जैसे युवा वर्ग के लिए अपने जीवन में अपने कैरियर को बना पाना एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। लेकिन हमको एक बात और समझनी होगी कि इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेना, इस बिजनेस की शुरुआत कर देना, इस बिजनेस में एंट्री ले लेना ही काफी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक चीज की डिमांड करता है, यह बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है।
और लीडरशिप के बिजनेस को लेकर के यही फाइनेंशियल गुरु रॉबर्ट टी कियोसाकी ने भी एक बात बताई है कि मोस्ट बिजनेस थिंक दैट प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बट विदाउट ग्रेट लीडरशिप मिशन एंड अ टीम दैट डिलीवर रिजल्ट एट अ हाई लेवल। उन्होंने बताया कि बिजनेस को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी वर्ग का कर सकता है, कम पढ़ा लिखा ज्यादा पढ़ा लिखा कर सकता है, युवा कर सकता है, बुजुर्ग कर सकता है, महिला कर सकते हैं, हाउसवाइफ कर सकते हैं, बिजनेसमैन कर सकता है, स्टूडेंट कर सकता है, गांव से कर सकता है, शहर से कर सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का वो कर सकता है। लेकिन उसको अपने अंदर के लीडरशिप के कौशल को जगाना होगा, उसको विकास करना होगा, विकसित करना होगा। और जो लोग अपने लीडरशिप के कौशल को विकसित कर लेते हैं इस बिजनेस में बहुत ही उच्चतम से उच्चतम शिखर को वो हासिल कर पाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक आदमी बाई बर्थ लीडर हो या उसके अंदर जन्म से ही लीडरशिप की क्वालिटी हो, लेकिन ये हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं, हमारे गुरु बताते हैं, हमारे मेंटर्स बताते हैं कि एक आम आदमी भी इस बिजनेस के सिस्टम को फॉलो करके, एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके और इस बिजनेस में उच्चतम से उच्चतम शिखर को हासिल कर सकता है, अचीव कर सकता है। बिजनेस ऑफ लीडरशिप, मुझे 17 साल में इस बिजनेस में काम करते हुए एक अनुभव हुआ। मुझे इस बिजनेस में काम करने से एक बात समझ में आई, ये बिजनेस लीडरशिप का है। और एक व्यक्ति को अगर उच्चतम शिखर पर जाना है, इस बिजनेस की हाइट्स को अचीव करना है, तो अपने लीडरशिप के कौशल को जगाना होगा, उसको विकसित करना होगा। दिस बिजनेस इज बेस्ड ऑन लीडरशिप, ऐसा बोला भी जाता है। और हमें हमारे ग्रेट गुरुओं ने बताया कि बिजनेस में अगर आपकी टीम ग्रो करती है, जो कि आपकी लीडरशिप की बदौलत ही संभव हो सकता है, तो आप भी ग्रो करते हैं। ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है और लोगों के बिजनेस को लीडरशिप के दम पर ही आप आगे लीड कर सकते हैं। तो लीडरशिप के बारे में मैंने सबसे ज्यादा हमारे ग्रेट कोच, ग्रेट डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन श्री रजत वर्मा जी के माध्यम से लगातार सुना। कुछ शब्द, कुछ वाक्य जो लगातार मैं उनके मुखारविंद से सुनता हूँ, उनके मुंह से सुनता हूँ, जो हमारे कानों में हमेशा गूंजते रहते हैं। और मैंने ये जो लाइन सुनी, मैंने हमेशा उन्हीं के मुंह से ये बात सुनी, अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे, शोज द वे, सर ने बताया। और उन्होंने अपनी गाइडेंस में मेरे जैसे हजारों लोगों को ट्रेन किया और उनकी लीडरशिप के कौशल को विकसित किया, ढेर सारे बूट कैंप्स के माध्यम से, अपने LDPs के माध्यम से, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स के माध्यम से, समय समय पर उनकी कोचिंग लेकर के, उनकी ट्रेनिंग्स अटेंड करके पूरे भारत में मेरे जैसे हजारों लोगों ने अपने जीवन को बदला है। तो मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा श्री रजत सर को कि उन्होंने जो बताया और उनकी बताई हुई बातों को फॉलो करने की वजह से हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया। थैंक यू रजत सर। बिजनेस ऑफ लीडरशिप, रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बात और बताते हैं, टू पर्सन अट्रैक्ट इफ यू हैव पर्सन इन योर बिजनेस द राइट पीपल विल बी अट्रैक्ट टू योर टीम। उन्होंने बताया कि अगर आपके अंदर पैशन है इस बिजनेस की उच्चतम हाइट को हासिल करने का, तो ये पैशन आपको आपकी टीम में आपके जैसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेगा। सो आप अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे और आपकी बिजनेस की टीम में आपके साथ आपके जैसे लोग, जिनका कमिटमेंट आपसे मिलता होगा, जिनकी सोच आपसे मिलती होगी, जिनका विजन आपसे मिलता होगा और जिनका कमिटमेंट आपसे मिलता होगा, वो ऐसे लोग आपके साथ आ जाएंगे और आपके बिजनेस को बहुत बड़ा बना देंगे। ये बिजनेस के बारे में 17 साल पहले मैंने समझा कि बिजनेस बहुत बड़ा है। ये बिजनेस किसी भी सरकारी नौकरी से ही नहीं, किसी भी देश की नौकरी से, ये बिजनेस किसी भी और प्लेटफॉर्म से, ये बिजनेस किसी भी और क्षेत्र से कई गुना ज्यादा आपको रिवार्ड देता है। लेकिन उसी हिसाब से आपको मेहनत भी करनी होती है। ये बिजनेस हमको एक सेलिब्रिटी की जिंदगी हासिल करने का मौका देता है। ये बिजनेस हमको हमारे द्वारा, हमारे लीडरशिप के द्वारा हमको हजारों ही नहीं बल्कि लाखों की टीम को लीड करने का एक मौका देता है। ये बिजनेस के माध्यम से हम और हमारे जैसे लोग लाखों लोग और लाखों लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं सफलता को हासिल करके। ये बिजनेस हमको टाइम और फाइनेंशियल फ्रीडम की आज़ादी देता है, इसको अचीव करने की आज़ादी देता है, मौका देता है। और इस बिजनेस के माध्यम से, जो कि हमारे लिए कहीं भी संभव नहीं है, हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सेफ शॉप के माध्यम से आज पूरे भारत में मेरे जैसे हजारों लोग अपने ड्रीम्स को हासिल कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को शान और शौकत के साथ जी रहे हैं।
लीडरशिप के ऊपर यूं तो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल राइटर्स ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं लीडरशिप के ऊपर। हमारे इतिहास में बहुत सारे ग्रेट लीडर्स हुए, उन्होंने अपनी करनी की वजह से बहुत कुछ सबक दे के गए। इतिहास भरा पड़ा है लीडरशिप के बारे में कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जिनको निखारा जाए तो जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी किताबों में बहुत सारी बातें बताई। एक ही एक राइटर की बुक में से मैंने ये 15 क्वालिटीज को यहाँ पर लिखा है। ये 15 लीडरशिप की क्वालिटी है जो एक व्यक्ति को व्यक्तित्व बना सकती हैं, इनको अगर इम्प्रूव किया जाए। लेकिन आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी को, कॉन्फिडेंस को, इंस्पायर टू अदर्स, कमिटमेंट एंड पैशन, गुड कम्युनिकेटर, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी, डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, एम्पैथी, रेजिलियंस, इमोशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, ह्यूमिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, विजन एंड पर्पस। तो इतनी सारी चीज़ों को, क्वालिटीज को देख करके मेरे जैसे व्यक्तियों को लग रहा होगा कि शायद इस जन्म में हमारा लीडर बनना संभव नहीं है, और जब लीडर बनना संभव नहीं है तो शायद इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। लेकिन मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जीता जाता जागता उदाहरण हूँ आपके सामने कि कोई भी एक आम आदमी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इतनी सारी क्वालिटीज को देख करके ऐसा लगता है कि लीडरशिप शायद ही जन्मजात ही होती होगी, कोई बाई बर्थ ही लीडर पैदा होता होगा जो इतनी सारी क्वालिटीज के साथ काम कर सकता होगा। लेकिन हमने इसमें काम करने के बाद सीखा और समझा कि कोई भी आम आदमी, कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा, गाँव से, शहर से, हर वर्ग का अपनी लीडरशिप के कौशल को विकसित कर सकता है, सही ट्रेनिंग लेकर के, सही माहौल में जाकर के उन सारी चीजों को अपने अंदर से विकसित कर सकता है। और हमारे साथ सेफसॉप के परिवार में, पूरे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग जो साधारण तरीके से आए थे इसमें और आम जिंदगी जी रहे थे, यहाँ संगति में आकर के अपने आप में उन्होंने बदलाव किया और अपने लीडरशिप के गुणों को विकसित किया और आज सपनों का लेवल और जिंदगी जी रहे हैं। आज वो रोल मॉडल बने हुए हैं, आज वो दूसरों को उनकी जिंदगी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं और दूसरों को इंस्पायर करते हैं। तो मैं आपको भी बताना चाहूंगा, आज जो भी लाखों लोग लीडरशिप के बारे में सुन रहे हैं, मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप जो सुन रहे हैं, जो मेरे सामने हैं, आप अपने लीडरशिप के कौशल को विकसित करके सेफ सॉप की सभी हाइट्स को अचीव कर सकते हैं। जो भी उच्चतम लेवल है उसको आप अचीव कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है और आपको भी विश्वास करना चाहिए। एक चाइनीज प्रोवर्ब है, एक कहावत है, मैं उसको बताना चाहूंगा कि इफ यू वांट 1 ईयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अगर आप जीवन में 1 साल के लिए खुशहाली हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें अनाज की पैदावार करना चाहिए। इफ यू वांट 10 ईयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अगर आप 10 साल के लिए अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो आपको बाग लगाना चाहिए। इफ यू वांट 100 ईयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अगर किसी व्यक्ति को जीवन में सालों साल तक, सैकड़ों साल तक प्रॉस्पेरिटी चाहिए, खुशहाली चाहिए, तो उनको लोगों की खेती करनी चाहिए, लोगों को कल्टीवेट करना चाहिए, लोगों का विकास करना चाहिए, लोगों को विकसित करना चाहिए। ये एक चाइनीज कहावत थी जो कि लीडरशिप के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। सेफ सॉप बिजनेस में जब हम एज ए आम आदमी की तरह शुरुआत करते हैं, इसमें कदम रखते हैं, पहली बार जब आप लॉग इन करते हैं, एंट्री लेते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, तो आपकी आईडी पर फ्रेशर लेवल शो करता है और आप जीरो से शुरुआत करते हैं। आप इस बिजनेस में आप खुद एक प्रोडक्ट लेकर के शुरुआत करते हैं, एक प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, एक सेल आपने किया, आपने एक प्रोडक्ट को पसंद किया और आपकी शुरुआत यहां से हो जाती है, आपकी आईडी पर फ्रेशर शो करता है, आप जीरो से शुरू करते हैं। इस बिजनेस में आपका एक ड्रीम लेवल है डायमंड, जो हर कोई हासिल करना चाहता है, हर कोई बनना चाहता है जीवन में, वो डायमंड बनना चाहता है। और डायमंड से फिर क्राउन एम्बेसडर, जो कि उच्चतम हाइट है। एक व्यक्ति जीवन में इन स्टेप्स को हासिल करके और बहुत बड़ी सफलता को जीवन में अर्जित कर सकता है, लेकिन इन स्टेप्स को हासिल करने के लिए धीमे धीमे, स्टेप बाय स्टेप, हम सभी को अपने लीडरशिप के कौशल को जगाना होगा, अपने लीडरशिप के कौशल को विकसित करना होगा। हम में से बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, जब बदलाव करने की बारी आती है, लीडरशिप के कौशल को बदलने की बारी आती है, तो वो क्राउन एम्बेसडर लेवल तक नहीं पहुंच पाते, वो कई लोग बदलने से इनकार कर देते हैं। कुछ लोग इस बिजनेस में सिल्वर लेवल को हासिल करते हैं और क्विट कर जाते हैं या फेल हो जाते हैं। कुछ लोग सिल्वर से लेके गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, इवन इमराल्ड तक पहुंचते हैं और वहां तक पहुंच करके
अपने अंदर लीडरशिप के कौशल को विकसित किए बिना और धर्रे पे काम करते हैं, जिसकी वजह से वो आगे के पायदानों को अचीव नहीं कर पाते। कुछ लोग डायमंड तक की दूरी तय करते हैं, कुछ लोग वीनस लेवल तक पहुंचते हैं, कुछ मर्करी क्राउन और क्राउन एम्बेसडर तक पहुंच करके रोल मॉडल बनते हैं, दूसरों को इंस्पायर करते हैं, दूसरों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसा परिवर्तन कैसे हो पाता है, वो दूसरे लोगों से अलग कैसे हो पाते हैं? क्यों? क्योंकि उनका विजन, उनका काम करने का तरीका, उनकी लीडरशिप, उनका सोचने का तरीका उनको बाकी लाखों लोगों से, हजारों लोगों से अलग करता है, उनको डिफरेंशिएट करता है दूसरे लोगों से। इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप, ये लीडरशिप के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो एक व्यक्ति लीडर बन करके वो शुरुआत कर सकता है, और कोई भी आदमी लीडर तो वैसे ही भी होता है, घर का मुखिया घर का लीडर होता है, तो वहीं से हमारी लीडरशिप की शुरुआत हो जाती है। क्लास का मॉनिटर क्लास का मुखिया होता है, क्लास का लीडर होता है, तो हमारे अंदर लीडरशिप के गुण तो शुरुआत से ही डाले जाते हैं। उन्हीं को और हवा पानी देकर के, उन्हीं को और विकसित करके इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, सेल्स शॉप में हम सफलता के झंडों को गाड़ सकते हैं। लीडर के बारे में बोला जाता है ऐसा कि नॉट एवरीवन कैन हेल्प हिमसेल्फ, सो गॉड क्रिएटेड नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स सो दे कैन टीच देम हाउ टू हेल्प देमसेल्फ्स। मुझे लगता है कि कोई भी आम आदमी अपने जीवन में अपने आप की मदद खुद नहीं कर सकता, इसलिए शायद ईश्वर ने नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स को तैयार कर दिया, बना दिया और उनको भेज दिया उन आम लोगों की जिंदगी को बनाने के लिए, ताकि उनको सिखा सकें कि वो अपने जीवन को कैसे बना सकें, अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकें, कैसे सर्वाइव कर सकें। एक चाइनीज कहावत भी है, इफ यू वांट टू फीड पर्सन फॉर वन डे गिव हिम फिश, इफ यू वांट टू फीड अ पर्सन फॉर एंटायर लाइफ टीच हिम हाउ टू फिशिंग। अगर किसी को आप रोटी देते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं तो जीवन भर अपना पेट भर सकता है। और ये लीडरशिप के ऊपर ही डिपेंड करता है। लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में मैंने पिछले स्लाइड पर आपको दिखाया, 15 क्वालिटीज दिखाई, लेकिन मैं इतनी सारी क्वालिटीज आपको नहीं बताऊंगा आज। मैं मात्र 3 क्वालिटी आपको बताने जा रहा हूं, जिनको यहां पर आज प्रेजेंटेशन में मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा। ये मात्र 3 ऐसी क्वालिटी हैं जिनको हम फॉलो करके, जिनको मैंने पर्सनली अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया, अपने जीवन में मैंने उनको उतारा, और उतारने की वजह से मुझे बहुत बड़ी सफलता मिल पाई इस बिजनेस में, एक उच्चतम शिखर पर मैं पहुंच पाया। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, सेफ शॉप में डायमंड बनने के लिए सबसे पहली क्वालिटी है आइडेंटिफाई योर ट्रू लीडर्स। आप जिनके साथ काम करते हैं, ये बिजनेस पीपल बिल्डिंग बिजनेस है, अकेले करने का नहीं है, आप लोगों के साथ मिलकर ही कर सकते हैं। सो आइडेंटिफाई योर ट्रू लीडर्स, तो हमें क्या करना होगा, अपने साथ में लीडर्स को तैयार करना होगा, लीडर्स को ढूंढना होगा, लीडर्स को पहचानना होगा। हमारा बिजनेस सोने की खुदाई करने जैसा है। सोने की खुदाई में क्या होता है, हमें हजारों टन मिट्टी उठानी होती है खान में से खुदाई करने के बाद, तब जाकर के थोड़ा सा सोना मिलता है, लेकिन हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं होता, हमारा ध्यान सोने पर होता है, गोल्ड पर होता है, और हम खुश हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे बिजनेस में भी हम सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, हजारों लोगों से मिलते हैं, और उन्हीं में से हमको कोई एक गोल्ड के रूप में, कोई एक डायमंड के रूप में मिल जाते हैं, और उनके साथ हमारी वर्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सम पीपल बिल्ड द बिजनेस विद यू, कुछ लोग हमारे साथ में आएंगे जो हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, हमारे बिजनेस को बिल्ड करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे आएंगे जो सिर्फ इंट्रोड्यूस करके चले जाएंगे, दूसरे को, किसी दूसरे को जो आएगा हमारे साथ मिलकर के काम करेगा, और हम और वो मिलकर के एक बहुत बड़ा कारवां खड़ा कर पाएंगे। मुझे लगता है एक उदाहरण जो हम सभी, पूरी दुनिया इस उदाहरण को जानती है और हर बार इसका रिविजन करती है, तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं भगवान श्री राम का एक उदाहरण देना चाहूंगा। 14 साल का वनवास उनको मिला, तो एक दिन, अगले दिन उनका राजतिलक होना है, लेकिन राजतिलक के लिए उन्होंने शायद कीमत नहीं चुकाई। राजतिलक होना है और राजतिलक होने ही वाला है तभी उनको बताया गया कि आपको 14 वर्ष का वनवास है। तो चाहते तो वो मना कर सकते थे, इनकार कर सकते थे वनवास के लिए, लेकिन उन्होंने वनवास को स्वीकार किया, एक्सेप्टेड एंड एग्रीड, उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बहुत कुछ छिपा है, ग्रेट और महान कार्य करना बाकी है, बहुत बड़े महान काम करने हैं, इसलिए वनवास को स्वीकार करना होगा। तो उन्होंने राजतिलक की बजाय वनवास को स्वीकार किया 14 साल के लिए, बिना किसी सुविधाओं के, बिना किसी लग्जरी के, सिर्फ अपना धनुष बाण के साथ में। और मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में, रजत सर ने ट्रेनिंग लीडरशिप के बारे में बताया कि हु लीडर हु नोज द वे, और नोज द वे, वो रास्ते को पहचानता है, जानता है। ये जानते थे कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और कुछ बड़े और महान काम कहाँ पर मुझे करने, ये पहचानते थे, इसलिए इन्होंने रास्ते को नहीं चुना, इन्होंने वनवास को चुना।
शोज द वे, वो दूसरों को भी राह दिखाता है, और गोज द वे, और खुद चल करके दिखाता है। तो ऐसा भगवान श्री राम ने करके दिखाया, और 14 साल के लिए आप बगल में देख रहे हैं, एक रूट को फॉलो किया पूरे भारत में, श्रीलंका तक एक रूट फॉलो किया। इस रूट में उनको क्या क्या मिला ड्यूरिंग वो जर्नी, जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में आपको बिजनेस करना होता है, डायमंड बनना है, और डायमंड बनने के लिए आप उस जिस तरह का बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना है, आपको सेल करनी है, तो सेल करने के लिए पूरे भारत में ही क्यों ना किया जाए, क्यों अपने डिस्ट्रिक्ट में गाँव में किया जाए। तो पूरे भारत में बिजनेस फैलने के लिए, पूरे भारत में बिजनेस करने के लिए आपको नए सिटी डेवलप करने होते हैं, न्यू बिजनेस बिल्डअप करना होता है। तो एक तरह का वनवास ही है। आप घर पर, आप मैट्रिस पे सोते हैं 12 इंच गद्दे पर, लेकिन शायद बाहर शहर में जाकर के रेंट पर रहते हो तो शायद चटाई पर रहना पड़े शायद, लेकिन उस दरमियान में बहुत कुछ ज्ञान मिलता है, सीखने का मौका मिलता है, और डेविल और डिविनिटी से फेस करने का मौका मिलता है, अनुभव मिलते हैं। भगवान श्री राम को सेना ऑफर की गई थी, उन्होंने इनकार कर दिया। उनको फैसिलिटी प्रदान करने की का मौका दिया गया था, उन्होंने इनकार कर दिया। रास्ते में वो लोग चले तो निषाद से मुलाकात हुई, निषाद ने उनको अपना राज्य देने का ऑफर किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वो चाहते तो वहीं पर अपना 14 साल व्यतीत कर सकते थे। चित्रकूट तक पहुंचते पहुंचते उनको बहुत सारे ऑफर मिले। भरत आए, भरत ने उनसे वनवास को एक्सचेंज करने का मौका दिया, ऑफर दिया। उन्होंने बोला कि वनवास मैं रहता हूं और आप राज तिलक जाइए, हमारा कोई लीडर शायद अगर किसी सिटी में काम करने के लिए जाएगा तो तुरंत एक्सचेंज कर लेगा, वो लौट आएगा, उसे लगेगा कि मैं घर से बाहर कैसे रहूं, मैं परिवार से बाहर कैसे रहूं, बच्चों से दूर कैसे रहूं। लेकिन कुछ दिन अगर वो कर लेता है तो बिजनेस को डेवलप करने के लिए, वहां की लीडरशिप को डेवलप करने के लिए, टीम को ट्रेन करने के लिए कुछ समय अगर सेक्रीफाइस करता है तो उसकी टीम बहुत बड़ी बनती है, लीडरशिप उसकी निखरती है और वो एक बहुत बड़ी टीम का मालिक बन पाता है। और ये बहुत सारे उदाहरण है। रास्ते में करेक्टर और बहुत सारी चीजों का भी चेक किया गया। सुपर्णखा के रूप में, श्री उस समय की मिस्र श्रीलंका ही थी, एक राजा की बहन थी, उनका ऑफर आया, उन्होंने उसको भी ठुकरा दिया। लालच आया मरीज के रूप में, उसको भी ठुकरा दिया। बहुत सारी चीजें जो लीडरशिप का टेस्ट और इम्तहान बनी। तो उन्होंने इस रास्ते में फिजिकल चैलेंज, फाइनेंशियल चैलेंज और इमोशनल चैलेंज भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो फिजिकल चैलेंज, फाइनेंशियल चैलेंज और इमोशनल चैलेंज भी हमें मिलेंगे। कई बार आपको परिवार की याद आएगी, कई बार पैसे की क्राइसिस आएगी, कई बार आपको फिजिकली जो घर पे रहने की आदत थी, हैबिट थी, गर्म खाना खाने की हैबिट थी, जो सुख सुविधाएं थी जो भगवान श्री राम को राजमहल में मिलती थी, जो आपको अपने घर में, अपने राजमहल में मिलती हैं, वो बाहर जाकर के सुविधाएं नहीं मिल पाती। और इन सेक्रीफाइस को करने के लिए एक लीडर ही डट सकता है, एक नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं, वो लौट जाएगा। जो लीडर है जिसके जहन में एक महान सफलता हासिल करने का महान विचार चलता है, वो इस सेक्रीफाइस को करने के लिए तैयार रहता है। वो फिजिकल चैलेंज को हंस के सहेगा, वो फाइनेंशियल चैलेंज को फेस करेगा, और वो इमोशनल चैलेंज को फेस करता है, और बहुत बड़ी लीडरशिप को प्रूव करके दिखाता है। और आपकी लीडरशिप प्रूव हो जाती है जब आप जर्नी करते हैं, तो जर्नी में ही आपको आपके ग्रेट लीडर से मुलाकात होती है। भगवान श्री राम को, चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे हनुमान हो, चाहे कोई और लीडर अंगद के रूप में हो, या जामवंत के रूप में हो, या ढेर सारे हजारों लीडर्स के रूप में हो, वो राजमहल में मुलाकात नहीं हुई, राजमहल में नहीं आए, वो जर्नी के दरमियान आए। जब आप शहर के लिए निकलते हो, बिजनेस डेवलप करने के लिए निकलते हो, तो आपको आपके ग्रेट लीडर से मुलाकात हो जाती है, और उस दरमियान में आपको बहुत सीख, समझ और अनुभव प्राप्त होता है, जो आपको बहुत लाखों की टीम लीड करने के लिए, डायमंड और क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए आपको काम आता है, जो सपोर्ट करता है। तो रियल पोटेंशियल जो आपकी बाहर निकल के आती है, यू विल फाइंड लीडर्स ड्यूरिंग योर जर्नी। तो ध्यान रहे, लीडर्स राजमहल में नहीं मिलेंगे, लीडर्स आपको आपके वनवास में मिलेंगे, लीडर्स आपको जर्नी के दरमियान मिलेंगे, बाहर निकलने के बाद मिलेंगे, जो आपके बिजनेस में चार चांद लगा देंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं प्रैक्टिकल अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। It took me 14 years to reach at crown ambassador level also. 14 साल के वनवास के बाद ही राज तिलक मिलता है, वो जो आपका रिवार्ड है। लेकिन उस दरमियान में मेरी आईडी पर भी 14 साल लगे आईडी पर क्राउन एम्बेसडर बनने में। ये रिवार्ड था मेरा अंतिम, लेकिन उससे पहले बैड डेज बिल्ड बेटर डेज, जो शुरुआत का संघर्ष है, वो संघर्ष धैर्य के साथ में, जो लोग इस संघर्ष को सहते हैं। मेरी भी टीम टूटी थी कुछ समय पर, कुछ इधर उधर बिखरा हुआ, मेरे चेक्स डाउन हुए, डाउन के खत्म हुए मराड़ लेवल पर, मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ। 3-4 साल तक मैं बहुत तकलीफ में रहा, लेकिन इस दरमियान में मेरी अपलाइन से मुलाकात हुई, तो मेरे अपलाइन ने, उन्होंने बोला कि माधव जी, घबराने की जरूरत नहीं है, आप केवल 2 मंजिला इमारत बनाना चाहते थे, इसलिए आपने बुनियाद उसकी नींव 2 मंजिल के हिसाब से भरी थी, लेकिन परमात्मा ऊपर वाला आपकी इमारत 2 मंजिला नहीं बल्कि 100 मंजिला बनाना चाहता है, और 100 मंजिल इमारत की बुनियाद 100 मंजिल जैसी होनी चाहिए, और उसके लिए पुरानी बुनियाद को हटाना होगा, नई बुनियाद के लिए नई तैयारी करनी होगी,
और पुरानी टीम को टूटा, लीडर्स टूटे, जो लोग थे वो शायद सो कॉल्ड लीडर्स थे वो टूटे और फिर से नई शुरुआत हुई। मुझे उस समय पर बुरा लग रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन मुझे मालूम था, मेरे लीडर ने बताया, मेरे अपलायन, मेरे ग्रेट मेंटर ने बताया कि जो हो रहा है दमदार हो रहा है, बहुत बड़ा होगा, धैर्य रखो, अच्छा होने वाला है। और कमजोर की जगह मजबूत लीडर्स ने ले ली, विशाल कारवां बना। आपको भी यही चुनना है, क्या आप करना चाहेंगे, ये रिवार्ड है आपका। वनवास को चुना भगवान श्री राम जी ने, उस समय ने ही उनको महान बनाया। राजतिलक की कीमत होती है, उस कीमत को उन्होंने चुकाया और राजतिलक के हकदार बने। जो लीडर्स अपनाते हैं वो उनका साम्राज्य विशाल और मजबूत बनता है। तो मैं आपको भी बधाई देना चाहूंगा कि ये क्राउन एम्बेसडर का लेबल आपकी आईडी पर इंतजार कर रहा है, बस शुरुआत आपको करनी है। और अगले कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, एक साल, दो साल, तीन साल का स्ट्रगल है, संघर्ष है, जो आपको आने वाले टाइम में काम आएगा और आपकी टीम में ढेरों डायमंड बनाने के लिए आपको काम आने वाला है। इसलिए मैं आपको शुभकामना देना चाहूंगा, इसकी तैयारी जरूर करनी है। ग्रेट लीडरशिप और महान लीडरशिप की शुरुआत यहीं से होती है। तो मैंने बताया आइडेंटिफाई योर ट्रू लीडर्स, आपको ट्रू लीडर्स को सर्च करना होगा, ढूंढना होगा, तलाश करना होगा। और जो लोग आपके साथ में आगे, उनको रिलेशन बिल्डअप करने के साथ काम करना होगा। बिल्ड रिलेशन विद देम, इट टेक्स मंथ्स टू गेट एसोसिएट बट इट ओनली टेक्स अ सेकंड टू लूज वन। लोगों के साथ संबंध बनाने में वक्त लगता है लेकिन तोड़ने में वक्त नहीं लगता। इसके लिए ध्यान रखना, अपने लीडर्स को टूटने नहीं देना। जो लोग परफॉर्म कर पा रहे हैं उनके साथ भी काम करना, जो लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे उनको भी साथ में चलना जरूरी है। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। शाखें अगर रही तो पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। आगे जाना महत्वपूर्ण तो है लेकिन अकेले नहीं, अगर अकेले आगे जाके करोगे भी तो करोगे क्या, जश्न किसके साथ मनाओगे। अगर चलना है तो लोगों को साथ लेके चलो, जश्न भी मनेगा और मजा भी आने वाला है। आपकी सफलता को सेलिब्रेट करने वाला भी होना चाहिए। लीडरशिप की पहली क्वालिटी वो थी, लीडरशिप की दूसरी क्वालिटी ओनरशिप एंड मास्टरी। तीन तरह के अपलायन मैंने देखे जो काम करते वक्त जिनका बिहेव हो जाता है इस तरह का। तीन तरह के लीडर्स बिहेव करते हैं। एक पहला पोस्टमैन की तरह काम करता है, ऊपर से कोई मैसेज आएगा टीम में फॉरवर्ड कर देगा व्हाट्सएप पे इधर उधर, और उनको बोला जाएगा परफॉर्मेंस आज की रिपोर्टिंग करनी है, वो नीचे आगे फॉरवर्ड कर देगा आपको भी रिपोर्टिंग करनी है, बोलेगा आज का टारगेट पूरा करो, वो आगे फॉरवर्ड कर देगा आज का टारगेट पूरा करो। वो पोस्टमैन की तरह काम करते हैं, चिट्ठियां बांटते हैं, मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं। दूसरे लीडर चीयर लीडर की तरह रहते हैं, वो क्लैपिंग में मजा नहीं आया और जोरदार तालियां, नमस्कार में मजा नहीं आया, नमस्कार और जोरदार होना चाहिए, वो इस तरह का बिहेव करते हैं। मंच पे जाएंगे, अपने लिए तालियां चाहेंगे, अपने लिए क्लैपिंग करवाएंगे वो, और अपने फोटो भेजेंगे, कोटेशंस डाल डाल के भेजेंगे, लेकिन अचीवमेंट नहीं भेज पाते क्योंकि अचीवमेंट होता ही नहीं उनके पास। और तीसरी तरह के होते हैं रिलेटिव अपलायन, जो कभी कभी त्योहारों पर दिखाई देते हैं, फेस्टिवल में दिखाई देते हैं, फंक्शन में दिखाई देते हैं, यानी फंक्शंस में, बड़े बड़े फंक्शंस में वीआईपी चेयर चाहिए उनको, थोड़ी और मोटी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए और रॉयल चेयर होना चाहिए। तो इस तरह के लीडर मैं जरूर बोलना चाहूंगा, इन तीनों चीजों को अवॉइड करना बहुत जरूरी है, अवॉइड करिए। और फील्ड में काम करने की तैयारी करनी है। ऊपर वाला सरदारी देता है तो सरदारी अगर मिली है, लीडरशिप निभाने का मौका मिला है, इससे बड़े खुशकिस्मत तो हम हो ही नहीं सकते। अपने सर का मान रखना है तो काम क्या करना है, अपने कैलेंडर को फुल रखना है, अपने टीम के साथ अपॉइंटमेंट्स बना के काम करना है, दिन भर मीटिंग्स करनी है, लोगों से कॉन्टेक्ट में रहना है। टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर योर टीम, आपकी टीम के लिए क्या क्या करना है, उनको तैयारी करनी है, उनको पहचान लेना है, बेटर डेवलपमेंट के लिए शुरुआत करनी है, आपको इनिशिएट करना है कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए, और इंडिपेंडेंट लीडर्स तैयार करने हैं, उनके अचीव कराने हैं गोल्स को, और उसमें आप कंट्रीब्यूट करिए, आप बहुत बड़े लीडर बनेंगे। आप जब टीम बनाएंगे, लीडरशिप को साथ लेके चलेंगे, आपकी टीम को साथ लेके चलेंगे, तो इसमें कई तरह के लीडर्स आएंगे, लेकिन आप कुछ ऐसे होंगे जो नॉन परफॉर्मर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो जिनकी ऊटपटांग काम करेंगे, कुछ कच्चे टाइप के होंगे, कुछ टुच्चे टाइप के होंगे, लेकिन हमें क्या करना होगा, सबको साथ लेके चलना होगा। यहाँ आप देख रहे हैं एक आर्मी पर्सन है, डिफेंस पर्सन ने गधे को कंधे पर उठा के रखा है। वो गधे को कंधे पर इसलिए उठा के रखा है क्योंकि जमीन में यहाँ पर लैंडस्माइन बिछे हुए हैं और ये गधा अपनी नादानी की वजह से
किसी लैंडस्माइन पे कदम रख देगा, पैर रख देगा, तो खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मार देगा। तो उस लैंडस्माइन पे कदम न रख पाए, इसलिए इसको गधे को भी कंधे पर उठा के चलना पड़ता है, ताकि इसका भी भला रहे और हम भी अच्छे से कर पाए। ऐसे लोगों को भी साथ लेके चलना पड़ता है। और आपकी टीम में बब्बर शेर भी आएंगे, टाइगर भी आएंगे, कमिटेड लीडर्स भी आएंगे, जो बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। उनकी लीडरशिप ग्रेट होगी और आपके बिजनेस में चार चांद लगा देंगे। इनके साथ भी काम करना है, दोनों को साथ लेके चलना है। दुनिया का हर बिजनेस एक पेड़ की तरह है, ओनरशिप बहुत जरूरी है, मास्टरी बहुत जरूरी, जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है अपने बिजनेस की। दुनिया का हर बिजनेस एक पेड़ की तरह है, जिसे शुरुआत में खाद और पानी देना होता है, नकारात्मक विचारों के आंधी से बचाना पड़ता है, फिर वो पेड़ फल देता है और उसी के फिर हम हकदार बनते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ओनरशिप इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। जिम्मेदारी अगर आपने ली तो आपकी लीडरशिप के दम पर ही अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो बड़े से बड़े लीडर भी आपको सजदा करेंगे, नमस्कार करेंगे और आपके लिए नतमस्तक होंगे। अदरवाइज आपसे खुश रहेंगे, अदरवाइज को आपके ज्ञान इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हमारे नेटवर्क में आते हैं, हमसे ज्यादा एजुकेटेड और प्रोफाइल के लोग हमारे नेटवर्क में आते हैं, तो हमारी लीडरशिप को देखकर ही हमसे प्रभावित हो सकते हैं, अदरवाइज वो हमसे प्रभावित नहीं होंगे। फिर आप बोलोगे कि मेरी टीम मेरा कहना नहीं मानती। इसलिए लीडरशिप कोई रैंक नहीं है, कोई टाइटल नहीं है, एक जिम्मेदारी है। तो आपकी लीडरशिप के साइज के हिसाब से ही आपके अचीवमेंट बहुत बड़े होते हैं, रिवार्ड बहुत बड़े होते हैं। तो हाथी जैसे लीडर भी आपको नमस्कार और प्रणाम करेंगे, इसका ध्यान रखना है। नंबर तीसरी क्वालिटी है, मेक योरसेल्फ वर्थ कॉपिंग। अपने बिजनेस में हमेशा, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, दोहराने का है। आप जो करते हो टीम वो करती है, आप जो बोलते हो वो टीम नहीं करती है, जो आप करते हो वो टीम करती है। मेक योरसेल्फ वर्थ कॉपिंग, हमेशा वही काम करना जो डुप्लीकेबल हो, हमेशा वही काम करना जो एथिकल हो, और अवॉइड नॉन डुप्लीकेबल थिंग्स। नॉन एथिकल थिंग्स को और नॉन डुप्लीकेबल थिंग्स को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। कभी भी ऐसे काम खुद नहीं करना जो टीम से करवाना नहीं चाहते हैं। इट विल मेक यू, आपको चमका देंगे, बना देंगे और शाइन कर देंगे, और डू व्हाट कैन बी कॉपीड। क्योंकि हम जानते हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड, यूनिवर्सल माइंड इज कॉन्स्टली नगिंग यू। ये हमारे विचार इस ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं और एनर्जी के रूप में हमारे लिए सर्जन करते रहते हैं। तो आपके मन मस्तिष्क में जो चलता है ये ब्रह्मांड हमारे लिए क्रिएट करता रहता है, और ऐसे ही दमदार लीडर्स को भी हमारे लिए क्रिएट करेगा और हम बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। ये बिजनेस एम्पायर बनाने का है, ये बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का है। सो मैं आपको बोलना चाहूंगा, बिल्ड एन एम्पायर, बिल्ड एन एम्पायर, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। हम जो हैं हमारी एनर्जी से ही हम अपने बिजनेस को, अपने जीवन को, अपनी खुशहाली को, अपनी तरक्की को, अपने अचीवमेंट को, अपने अवार्ड को, अपने रिवार्ड को बना पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे। यू कैन बिल्ड अ बिग एम्पायर ओनली व्हेन यू हैव लॉट ऑफ परफॉर्मिंग लीडर्स इन योर टीम। आप एक बहुत बड़ा एम्पायर बना पाएंगे, आप अपनी एथिक्स के साथ काम करते हुए और लीडरशिप का विकास करते हुए आप अपने टीम में ढेर सारे लीडर्स को, इंडिपेंडेंट लीडर्स बनाओगे और बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाओगे। इसके लिए मैं आपको ऑल दी बेस्ट बोलना चाहूंगा। अंत में एक बात बोलना चाहूंगा, जो तूने कहा कर दिखाएगा, रख यकीन बिखरेगी फिर से वही चमक तेरे वजूद से। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान होती है इस बिजनेस में, ये नहीं इस दुनिया में, हमारी मेहनत ही हमारी पहचान है, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान होते हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और शुभकामनाएं देना चाहूंगा और आपको आह्वान करना चाहूंगा, बी रेडी फॉर विजय ही विजय। जो हमारी ग्रेट शेप्स ऑफ महान कंपनी ने, हमारे महान डायरेक्टर्स ने जो आह्वान किया है 2020 में, विजय ही विजय के लिए, उसके लिए तैयार रहिए। अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए तैयार रहिए। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स को, हमारे ग्रेट पैनलिस्ट को, हमारे ग्रेट मेंटर्स को, और मैं पूरे के पूरे शेप्स ऑफ परिवार को, पूरी शेप्स ऑफ फैमिली को, अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सभी के लिए आह्वान करना चाहता हूँ। बिजनेस बहुत बड़ा है, आपके जीवन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लाने वाला है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। धन्यवाद माधव जी, सबसे पहले तो शानदार प्रेजेंटेशन के लिए हम सब की ओर से बहुत बहुत बधाई। आपने विषय के साथ पूरा न्याय किया है आज। आप एक सच्चे लीडर हैं, आपने न केवल लीडरशिप के गुणों को विकसित किया, आत्मसात किया और सफल होकर दिखाया, बल्कि अपने साथियों की सफल होने में हर संभव मदद भी की है, साक्षी रहा हूं मैं। आपने अपनी बात की शुरुआत ही इस महत्वपूर्ण बात से की कि ग्रेट लीडर्स के लिए स्वयं की उपलब्धियों और सफलता की तुलना में दूसरों की उपलब्धियां और सफलता अधिक मायने रखती है। यह भी कि यदि आपके अंदर अपने बिजनेस के लिए सच्चा जुनून है तो यह सही लोगों को आपकी टीम में आने के लिए आकर्षित करेगा। और यह बात हम हमेशा याद रखेंगे कि लीडर वो होता है
जो सफलता का रास्ता जानता है उस पर चलकर दिखाता है और लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। सफलता की यात्रा में एक लीडर को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, फाइनेंशियल भी होती हैं, इमोशनल भी होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने परिवार को छोड़ना, क्योंकि उसे अपने परिवार की भलाई के लिए अपने परिवार का समय नेटवर्क को देना होता है और ये बहुत बड़ा त्याग कहलाता है। आपकी टीम के साथ आप भी विकसित होते जाते हैं और अंत में धैर्य की ही जीत होती है। तो आज के प्रेजेंटेशन के लिए, शानदार प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको एक बार फिर से बधाई देता हूं। अंत में हम सेफ शॉप ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी के सभी डायरेक्टर्स हरीश सोंधी जी, रजत वर्मा जी, राजू आनंद जी, सिद्धार्थ सहगल जी और राज्यपाल अरोरा जी के दिल से आभारी हैं जिन्होंने सेफ शॉप के रूप में हमारी जिंदगी बदल देने वाला एक शानदार अवसर हमें उपलब्ध करवाया है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ऐसे शख्स को जिन्होंने हमारे दिल में विशिष्ट स्थान बना लिया है। आइए हम स्वागत करते हैं सेफ शॉप के डायरेक्टर ऑपरेशन रजत वर्मा जी का। वेलकम सर। पहले नमस्कार दोस्तों, आई थिंक आई गॉट म्यूट बाय मिस्टेक। थैंक यू वेरी मच माधव जी, थैंक यू वेरी मच फॉर अ वंडरफुल वंडरफुल सेशन। माधव इज वन ऑफ आवर टॉलेस्ट लीडर्स, एन एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ अस हु आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो एन एग्जांपल फॉर एवरीबडी इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हु इज नॉट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। ही इज अ ट्रू लीडर who has risen from the ranks and now governs a position of extreme strength. I think one of the most amazing qualities about Madhav is honesty, integrity, and loyalty. Sachai, imandari, aur vafadari. And these are the qualities which make Madhav a true exemplary leader. And all of us aspire to be like him. I'm proud to be part of a team which includes somebody like Madhav, who's a leader, and we all look up to him. I'm thankful to be part of this wonderful panel, each one a gem in his own right. And we've all started work afresh in this new digital media. We've all rediscovered ourselves and we've started learning again. So by these little seminars and webinars and training sessions and e-trainings, we've all started our journey all over again. So 20 years, what we did is not important. It's the next 20 years, what we're going to do, which is more important. And as an organization, we've always believed in ethics. Hamare liye sabse zaruri hai ethics. Ethics, ethics, and ethics is what this entire company is made of. हमने हमेशा वही किया जो सही है, कभी वो नहीं किया जो आसान हो। ये लोगों को शायद कई बारी बड़ा अजीब लगता है कि ये कंपनी आसान काम क्यों नहीं करती, लेकिन हमने सही चुना, आसान हमने कभी नहीं चुना और हमेशा इसी एथिक्स के पथ पे चलेंगे, इंटेग्रिटी के पथ पे चलेंगे, ऑनेस्टी के पथ पे चलेंगे, लॉयल्टी के पथ पे चलेंगे और बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी से ही अपनी कंपनी को ग्रो करेंगे। ये हमारे सारे के सारे पैनलिस्ट की तरफ से मैं सबको एक वादा करता हूं। बिफोर यू प्रे बिलीव, बिफोर यू स्पीक लिसन, बिफोर यू स्पेंड अर्न, बिफोर यू राइट and before you quit, try. And before you die, live. These are the six principles of ethics by which we live. And I promise you that before we die, all of us here, we will live. And we will live a journey and a life full of integrity, honesty, and ethics. And next Wednesday, on webinar, one of our tallest leaders, one of our most ethical leaders, one of our leaders who's full of integrity and honesty, Mr. Narsi Grewal, will take us on a journey of ethics in direct selling. Narsi is somebody whom we hold in
extreme high esteem because again he is a true example of sachchai, wafadari aur imandar. And next week we are going to listen to him on Wednesday aur agle budhwar ko aap sabse fir se mulaqat hogi Narsingh Grewal ji ke sath aur hum baat karenge integrity, honesty aur ethics ki direct selling ke medium mein, direct selling organizations ke liye. I would like to thank all of you for a wonderful session. And I would like to thank all the people who are watching us from every corner of this country and request you again to please stay safe. Even though the lockdown is kind of over, but I promise you that we need to be extremely more careful now. And whoever is listening to this entire webinar, please remember that unless and until you keep yourself safe, you are of no use to anybody. There is no point getting infected and infecting your family, your network, your friends, and your associates. Stay safe, stay healthy, and stay home. Thank you very much for a wonderful webinar. And I'd like to take leave from the entire panel and wish you all the best. Thank you very much.